बॉलीवुड में फिल्मों में 100 करोड़ क्लब में शामिल होने का काफी क्रेज है। फिल्मों के अलावा बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अब एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने को तैयार हैं। हम आपको बताते हैं आखिर कौन है बॉलीवुड के सबसे महंगे टॉप 10 सितारे। सलमान खान। बॉलीवुड के प्रेम से दबंग बने सलमान खान के फैंस तेजी से बढ़ रहे हैं। सलमान की फिल्में लोग न सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि उनकी फिल्में कमाई के मामले में भी नए रिकॉर्ड बना रही हैं। सलमान एक फिल्म के लिए करीब 55 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अगर सिर्फ फीस की बात करें तो सलमान खान बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर हैं। दीपिका पादुकोण। 4 हिट फिल्मों के बाद दीपिका बॉलीवुड की टॉप स्टार्स में शामिल हो गई हैं। दीपिका अभी एक फिल्म के लिए 8 से 9 करोड़ रुपए लेती हैं। लेकिन जिस तेजी से वो आगे बढ़ रही हैं, जल्दी ही वो बॉलीवुड की सबसे महंगी स्टार्स की लिस्ट में आगे नजर आएंगी। ऋतिक रोशन। बॉलीवुड के सुपरहीरो ऋतिक रोशन अपने लुक्स और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। ऋतिक ने अपने अब तक के करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। आमतौर पर ऋतिक किसी भी फिल्म के लिए 16 से 20 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन आशुतोष गोवारिकर की फिल्म मोहनजोदारो के लिए ऋतिक ने 50 करोड़ रुपए फीस ली थी। करीना कपूर। बेबो करीना कपूर के बॉलीवुड में लाखों दीवाने हैं। शुरुआती फिल्मों में करीना को पसंद नहीं किया गया, लेकिन जब वी मेट के बाद से करीना के करियर ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। करीना अब एक फिल्म के लिए करीब 8 से 8.5 करोड़ रुपए लेती हैं। शाहरुख खान। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान के पूरी दुनिया में दीवाने हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने पिछले साल शाहरुख खान को सबसे महंगा इंडियन सेलिब्रिटी बताया था। शाहरुख एक फिल्म के लिए करीब 35 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। कटरीना कैफ। पिछले साल आई फोर्ब्स की लिस्ट में कटरीना कैफ को बॉलीवुड की सबसे महंगी स्टार्स में 9वें स्थान पर जगह मिली थी। एक बड़े अखबार के मुताबिक कटरीना विज्ञापन के जरिए एक दिन में औसतन 1.5 करोड़ रुपए कमा लेती है। कटरीना की एक फिल्म की फीस 6 से 6.5 करोड़ के बीच रहती है। अक्षय कुमार। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार काम के प्रति ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। अक्षय एक फिल्म के लिए करीब 45 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। आमिर खान। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। जिस फिल्म के साथ आमिर खान का नाम जुड़ जाता है उस फिल्म के हिट होने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा हो जाती हैं। आमिर फिल्म में प्रॉफिट शेयर के अलावा एक फिल्म के लिए करीब 40 करोड़ रुपए तक फीस लेते हैं। प्रियंका चोपड़ा। एक्टिंग के बाद प्रियंका चोपड़ा अब सिंगिंग में भी हाथ आजमा रही हैं। प्रियंका एक फिल्म के लिए करीब 7 से 8 करोड़ रुपए फीस लेती हैं। रणबीर कपूर। बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर ने सफलता का पायदान काफी तेजी से चढ़ा है। रणबीर एक फिल्म के लिए 20 से 24 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।